हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों का स्वागत है रिया राजावत यूट्यूब चैनल पर। मैंने काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं डाला था, और जब मैंने व्लॉग डाला था तब मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। अभी भी मैं यहीं हूँ और चली जाऊँगी एक दो दिन में मैं यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे टाइम पे कोई व्लॉग नहीं बना सकता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज बात करके बताती हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पाई। मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग बनाने में मन ही नहीं लगता था। और एक व्लॉग शायद मैंने डाला भी था, आप सब लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है और बहुत से फ्रेंड्स, सिस्टर, भाई बहुत प्यार कर दे रहे हैं मेरे को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। सोचती हूँ रोज़ व्लॉग बनाऊँ, पर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ। और आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए माँ बाप क्या मायने रखते हैं। और यहाँ पे दो भाई हैं, बहन है, तो हंस रहे हैं, रो भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ रोना रोना रह जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। तो उनके साथ तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उनको भूल पाना भी इतनी जल्दी नामुमकिन नहीं है। और आप समझ सकते हो, आप लोगों को मेरी कंडीशन तो पता ही थी, तो आप समझ सकते हो एक माँ बाप होने से ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई है। अब तो ना ही मम्मी है ना पापा है, और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो समझ सकते हो ना, अंदर से बहुत अकेलापन होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हमें अपना भी नहीं पता कि हम आज हैं और कल नहीं हैं। इसी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अभी मैं अपने घर पे ही थी। पापा की जो तेरवी वगैरह होती है तब तक हम रुके हुए थे दोनों सिस्टर, और घर पे मेहमानों का आना जाना भी लगा हुआ था। तो भाइयों को, बहनों को, भाभी को ऐसे छोड़ के जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। तो लेकिन अब अपने घर जाना तो है ही, मेरे बच्चे वहीं पर ही हैं और सास ससुर के पास रह रहे हैं। पर टेंशन तो होती है, वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं एक माँ को अपने बच्चों की टेंशन तो होती है। और अब मुझे भी संभालना होगा अपने आप को, और सारे भाई बहनों को अपने आप को खुद ही संभालना होगा। माँ बाप के जाने से उनकी कमी तो बहुत होती है, और उनकी कमी कोई शायद पूरी कर भी नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम पे कोई वीडियो नहीं बना पाता। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊं, मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने मायके में ही हूँ, लेकिन अब सारे मेहमान जा चुके हैं, अब हमें भी जाना ही होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। और अभी मेरी छोटी सिस्टर भी आई है और हमारी मौसी जी भी आई हुई हैं, बाकी सारे मेहमान चले गए हैं यहाँ से, बस हम ही दो तीन लोग रुके हुए थे। भाई वगैरह जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहते ना, किसी के जाने से घर बहुत सूना हो जाता है, अगर कोई दूसरा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग भी कब तक रुकेंगे, हमें भी जाना ही है। और भाभियाँ हैं, बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप की कमी तो होती ही है घर में, कहते हैं माँ बाप से मायका होता है। तो मैं भी आपको अपनी भाभी से, बहन से, मौसी से भी मिलवाऊंगी। तो बस मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मेरे पापा भी थे कुछ टाइम पहले, आज से 10-15 दिन पहले, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। सब कुछ एकदम अचानक से ही हो गया है। तो
बस इतना ही, और बाकी मैं अभी आपको अपनी मौसी से, सिस्टर से, भाभी से, सबसे मिलवाऊंगी। नमस्कार। नहीं बैठी है ना, बैठे रहने वाली।